नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज पब्लिक टुडे में आप सभी का स्वागत है। देश भर की बड़ी खबरें पाने के लिए पब्लिक टुडे न्यूज की इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हां, आपको बता दें कि जेएनयू हिंसा मामले में आरोपी कोमल शर्मा जो राष्ट्रीय महिला आयोग पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि जेएनयू छात्र संघ ने एबीपी पर लगाया हिंसा के पीछे हाथ होने का आरोप। एबीपी ने लेफ्ट विंग से जुड़े लोगों पर लगाया हिंसा फैलाने का आरोप। पुलिस वाली दो ग्रुप्स के बीच हुई थी झड़प। सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन का विरोध कर रहे छात्र के ग्रुप ने की मारपीट। जेएनयू हिंसा मामले में आरोपी कोमल शर्मा ने राष्ट्रीय महिला आयोग से मांगी मदद। आपको बता दें कि जेएनयू हिंसा मामले में आरोपी दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा कोमल शर्मा ने राष्ट्रीय महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया है। एफएसएल टीम भी आज जेएनयू जा रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस अब भी आरोपी एक्सम अवस्थी रोहित शाह और कोमल शर्मा का पता लगाने की कोशिश में जुटी है। आपको बता दें कि जेएनयू प्रशासन ने 14 जनवरी को कहा कि कैंपस शांत और शांतिपूर्ण है। प्रशासन ने बताया कि कोई स्कूल में नए सेमेस्टर के लिए क्लास भी शुरू हो गई है। कुछ छात्रों और शिक्षकों ने फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर क्लास का बहिष्कार किया। चमिया मिलिया इस्मालिया में हुई हिंसा की जांच के लिए एनएचआरसी की टीम कैंपस में पहुंची हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू प्रशासन से सीसीटीवी फुटेज मांगे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू प्रशासन को पुलिस द्वारा मांगे गए सीसीटीवी फुटेज तुरंत मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। साथ में आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को दिया आदेश आरोपियों का मोबाइल फोन करे जब्त। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की गवाह को समन करने के लिए कहा कि साथ ही दो व्हाट्सएप ग्रुप फ्रेंड्स आप आरएसएस और यूनिटी एगेस्टा लैपटॉप के सदस्यों को मोबाइल फोन को जब्त करने के भी आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जेएनयू हिंसा के संबंध में प्रिया रंजन कुमार, सुचेता तालुकदार और समेत अन्य पर नोटिस जारी किया है। इन्वेस्टिगेशन फोर्सिंग टीम की जांच के लिए बहुत जल्द आने वाली है। आप क्या सोचते हैं जेएनयू हिंसा के मामले के बारे में? इसकी बारे में झूठ दो वर्ड कमेंट कीजिएगा। कहो कोमल शर्मा बीजेपी के खिलाफ ये प्रदर्शन और तेज करने वाली है। हमें सूत्रों के वालों से खबर मिली है कि यहाँ पे सीधा निशाना बीजेपी सरकार को साधा जा रहा है। आप इसके बारे में जरूर दो वर्ड कमेंट कीजिएगा। आप देख रहे हैं पब्लिक टुडे न्यूज। पब्लिक टुडे न्यूज की इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।